आज ही अचानक जो यहाँ जेसीबी लेकर के समीम बहिरा, जो डॉक्टर अशोक पटेल का आदमी है, यहाँ आया और गिराने लगा। जब हम लोगों ने पूछा, पुलिस को सूचना दिया, तब तक पता चला कि 50 मीटर बाउंड्री गिरा दिया। ये मामला प्रशासन के संज्ञान में 2 माह पहले से है, हाई कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है। एसडीएम साहब एक बार इसमें मना कर चुके हैं कि जब तक हाई कोर्ट में चलेगा तब तक इस बाउंड्री को नहीं छुआ जा सकता। और अचानक दबाव बना के कि डीएम साहब ने कहा है कि गिरा के आइएगा, कोई बात न सुनिएगा, तो ये तो एक हमें तो स्पष्ट रूप से झलक रहा है कि डॉक्टर अशोक पटेल और डीएम साहब एक बिरादरी हैं, इसलिए मिलजुल के ऐसा काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ कि न्याय हो और न्याय तक इंतज़ार किया जाए। जब हाईकोर्ट निर्णय करे तब इस पर करे, ये अन्यथा ये कार्रवाई गलत है। मुझे नोटिस भी नहीं दिया, कोई सूचना नहीं दिया, जबकि इनको हमको सूचना देना चाहिए। ये सारी बातें, काम रुका है कि चल रहा है? काम इस समय अभी रोका गया है, ये कह के कि 2 घंटे में अपना निपटा लीजिए, नहीं हम फिर गिराएंगे। आप और अशोक पटेल जो हैं एक पार्टी के हैं? हम एक पार्टी के नहीं, हम बीएसपी में आ गए हैं, वो सपा में हैं। अच्छा, हम एक पार्टी के नहीं हैं, अभी तक सपा में था तो ये। और ये ज़मीन, मैं आपको हकीकत बता दूँ, ये हकीकत मैंने डॉक्टर बीआर वर्मा से खरीदी है, जरिए बैनामा। जितने में वो काबिज थे उतने की बाकायदा नाप के हमने रजिस्ट्री कराई है। डॉक्टर अशोक पटेल का कहाँ है, क्योंकि इनके लक्ष्मी नारायण रिश्तेदार हैं जो पीछे की पूरी प्लाटिंग करके बेच लिए हैं, और मुझे लगता है इनका भी हिस्सा बेच लिया है। वहाँ ये लड़ाई नहीं लड़ रहे, और ये हमारी बैनामा की ज़मीन में जबरदस्ती लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हमने बाकायदा रजिस्ट्री कराई और नाप के करा लिया, जितना उनका रकबा है रकबा के हिसाब से नाप के कराया। एक ध्रुव प्रशासन मनमानी कर रहा है, और प्रशासन इसमें खास करके डीएम मनमानी कर रहा है।